बहुत ज़्यादा पा रहे हैं, दो दिखाया हम 22 पा रहे हैं, तो अभी निराश नहीं हो। कोई वोटों का 700 से 1000 वोटों का अंतर है, तो ये तो दो दो एक एक चरण में भी खुलने में भी ये इधर उधर हो सकता है। मनोज जी सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है और ये कहा कि आज मंगलवार को हनुमान जी के भाजपा की लंका में आग लगा दी। अब इस तरह की अहंकारी बातें नहीं करनी चाहिए और इस ये समय नफरत और अहंकार दिखाने का नहीं है। अपने पॉजिटिव आशा के साथ अगले बाकी चरण के मत जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका इंतजार करिए। टारगेट कम किया मनोज जी आपने, जो टारगेट आपका था 48, जो आपने कहा था मेरा ट्वीट सेव कर लो, वो कुछ नीचे आया है? 48 से 40 आया हो, 35 आया हो या और नीचे आया हो? देखिए, किसी के भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो हमको दो दिया होगा 22 आ रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए। अभी भी आपके ट्वीट सेव रखे ना, लोग रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल रखना ही चाहिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरी वाणी में रिजल्ट के पहले हतोत्साह आना भी नहीं चाहिए। क्या कितने आश्वस्त हैं सर? किसको रिजल्ट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अब मैं अभी आपको इतना ही बोल के जा रहा हूँ कि जो हमें 2 से 11 जहाँ हमको एग्जिट पोल दे रहा था, उतने समय में तो हम 22-23 हैं। तो आप संतुष्ट हैं 22-23 को उपलब्धि मान रहे हैं बीजेपी के लिए? उपलब्धि नहीं मान रहे हैं उसको, लेकिन हम जो सोच रहे हैं उतना तो अभी नहीं मिला हमें, लेकिन आगे जो आ रहा है अभी जो अगला इंतजार करिए, बहुत अच्छा होगा। अगर बिहार वाली स्थिति होगी, आपको क्या लग रहा है बिहार में जैसे बीजेपी जीत? अरे भाई, हार गई, ऐसा लग रहा है क्या आपको? इस समय मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया, मैं आप सबके समक्ष हूँ, हम अपनी अनुमान से अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जो 3 बजे के बाद की पोलिंग का अभी चरण खुलने वाला है, वी शुड वेट फॉर दैट। I am still hopeful.